हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। दिस इज कृष्णकांत सिंह मुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक में आज हम डेवलपमेंट मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं, ये पार्ट वन है, और एडम स्मिथ थ्योरी से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एपिसोडिक एक्सप्लेनेशंस होते हैं, इसलिए यदि आप ये पार्ट वन से पूरी सीरीज देखते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। एडम स्मिथ कौन थे, इस पर मैं डिस्कशन ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स में सर्वोपरि थे, सबसे पहले इकोनॉमिस्ट थे, और इनकी ये थ्योरी बड़ी फेमस हुई थी उस समय। एक आधार इन्होंने दिया था और आज भी उस आधार को माना जाता है। इनका सबसे अच्छा काम था एक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने 1776 में ये बुक लिखी थी और ये बहुत फेमस हुई थी क्योंकि इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया था। हालांकि इसमें कोई इन्होंने ग्रोथ थ्योरी नहीं दी थी, ये डेवलपमेंट कैसे होता है ये प्रोसेस उन्होंने बताई थी, मगर डेवलपमेंट कैसे करना है ना, वो ग्रोथ थ्योरीज में हम पढ़ चुके हैं और आगे भी उसमें पढ़ रहे हैं। लेकिन इससे एक आधार इकोनॉमिस्ट को मिला। इन्होंने एक बहुत नेचुरल लॉ की बात की है जो कि हम सब अपने दिनचर्या में फील करते हैं, एक इनविजिबल हैंड। देखिए, इसमें इनविजिबल हैंड कहा इन्होंने, माइंड नहीं कहा, हर्ट नहीं कहा, क्योंकि हैंड जो है वो कर्म का प्रतीक होता है। हम जो भी काम करते हैं उसमें बोलते हैं ना, इसमें तुम्हारा हाथ है क्या, होता तो दिमाग ही है लेकिन बोलते हैं कि हाथ है। तो एक इनविजिबल हैंड की इसमें परिकल्पना की गई है और कहा है कि ये एक इनविजिबल चीज़ है जो हम सबको एक दूसरे से बांधे हुए है और हमको कोई ज़रूरत नहीं है इसके बीच में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस करने का, और वो इनविजिबिलिटी है हमारा सेल्फ इंटरेस्ट। एक व्यक्ति जो कुछ प्रोडक्शन करता है वो कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, दूसरा उस प्रोडक्ट का यूज़ करता है, उसको उससे फ़ायदे मिलते हैं। तो सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अगर फंक्शन करेंगे तो इस इकोनॉमी में किसी की ज़रूरत ही नहीं होगी इंटरफेयर करने की। इसीलिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लेजर्स फेयर की पॉलिसी को अपनाते थे जिसमें ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा और नेशन की वेल्थ भी मैक्सिमाइज होगी। इसमें जो इंटरवेंशन है वो है गवर्नमेंट का, जिसके खिलाफ थे एडम स्मिथ, और जिस सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग वो तब भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। उसी इंटरेस्ट की वजह से आज मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, और इसी को उन्होंने लिया था और इसके बिहाफ पे बहुत सारी थ्योरीज में इससे हेल्प हुई है। तो इसलिए ये जो इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट था ये उस समय बहुत चला। सेकेंडली, इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की। डिवीजन ऑफ लेबर आपको पता ही है, एक पर्टिकुलर प्रकार का काम एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति करेगा तो उससे काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी होता है। जैसे कि अगर एक शर्ट बनानी है तो शर्ट में एक कफलिंग्स होती हैं, कॉलर होती है, बटन स्टिच करना होता है, फिर उनके हिस्सों की सिलाई होनी होती है, उसके पहले कटिंग होनी होती है, फिर बाद में प्रेस होनी होती है। तो ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति जब करता है तो उसके लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं ये। मगर यदि किसी को बोल दिया जाए कि आप केवल कटिंग करेंगे तो उसने कैंची उठाई और वो जो जहाँ जहाँ जैसे जैसे उसके पास मेजरमेंट्स थे उसके हिसाब से उसने काट के एक रस्सी बांधी और आगे बढ़ा दी। दूसरे व्यक्ति ने उसमें से अपना हिस्सा निकाल लिया जिसमें उसको कॉलर बनाना था, उसके बाद उसने आगे कर दी। दूसरे व्यक्ति ने उसमें से कफलिंग्स निकाल ली, तीसरे व्यक्ति ने उसमें से दूसरा हिस्सा जो भी उसको उसमें काम करना था। इस तरीके से जब वो काम हो गए तो वो सब एक जगह मिलाकर उसको सिलाई वाले को दे दी, तो सिलने वाले ने सारे हिस्से उसके जोड़ दिए, उसको कुछ नहीं करना है केवल सिलना है। इस तरीके से वो शर्ट बहुत जल्दी तैयार हो जाती है क्योंकि कॉलर एक व्यक्ति बना रहा है तो उसमें उसकी एक्सपर्टाइज हो जाती है। इस पर चर्चा की एडम स्मिथ ने, बोले डेवलपमेंट के लिए ये डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़रूरी है और इसकी वजह से मार्केट आपका एक्सपैंड होने लगता है। क्यों? आपने देखा होगा मार्केट्स में अगर छोटा सा मार्केट है तब तो कोई बात नहीं है उसमें, लेकिन जैसे जैसे आप डिवीजन कर देंगे, कहीं भी देखा होगा आपने तो एक जैसी दुकानें एक साथ रहती हैं, मोबाइल शॉप तो मोबाइल शॉप, ऑटोमोबाइल्स की दुकानें एक साथ हैं,
एक पर्टिकुलर मार्केट में भी एक हिस्सा सब्जी मार्केट का है, एक हिस्सा फल मार्केट का है, एक हिस्सा नॉन वेज वाला भी है, तो इससे मार्केट का एक्सपेंशन बड़ा अच्छे से हो जाता है, क्योंकि सब अपने अपने डिवीजन में के एक्सपर्टाइज्ड होते हैं। तो ये होता कैसे है, किस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ती है, इस पर एडम स्मिथ जी ने ये कहा है कि एक नेचर होता है, ह्यूमन नेचर, और वो नेचर का झुकाव जिस तरफ हो, झुकाव यानी प्रोपेंसिटी, टेंडेंसी, अपन लोगों ने ये किया था ना, प्रोपेंसिटी टू सेव या प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, तो कौन किस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, सेविंग्स ज़्यादा करते हैं लोग या खर्च ज़्यादा करते हैं लोग, वो हमने पढ़ा था। ऐसे ही एक ह्यूमन नेचर होता है, कहीं ना कहीं उसका झुकाव होता है, और उस झुकाव की तरफ यदि हम ध्यान दें तो हमको उसका इंटरेस्ट पता लगता है, यानी उसका सेल्फ इंटरेस्ट, और इस सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से हम उसको एक पर्टिकुलर काम दे सकते हैं, यानी उसके लेबर को डिवाइड कर सकते हैं, और उस प्रकार का काम वो बड़ी आसानी से कर लेगा। आपने देखा होगा फूड इंडस्ट्री में भी कोई वेजिटेरियन चाट का ठेला भी लगा लेता है, लेकिन वो अंडे का ठेला नहीं लगाएगा, ही इज़ नॉट कम्फर्टेबल विद इट। तो जो कम्फर्टेबल है वो अंडे का ठेला लगाता है। इसको और बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं टेक्निकल जो सर्विस सेक्टर के हैं, तो सर्विस ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो टेक्निकली काम किए जाते हैं तो उसके भी अलग बंदे हैं जो केवल सुधारने का काम करते हैं, टेक्निकली फ्रिज है, एसी है, प्रिंटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो कोई उसके अंदर के सॉफ्टवेयर पर काम करता है, कोई वेबसाइट्स पर काम करता है, और अगर हम इसको अलग अलग स्ट्रीम्स में ले जाएं, बैंकिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, यानी सबका डिवीजन उन उनके इंटरेस्ट के हिसाब से होगा, तो क्या होगा, ये डिवीजन की वजह से वर्कर्स में डेक्सटेरिटी आएगी और ये बढ़ेगी, यानी अपने ही काम में वो और कुशल हो जाएंगे और उसमें निखार आएगा। दूसरी चीज़ टाइम सेविंग होगी, जब वो चीज़ उनको बहुत अच्छे से करना आती है तो कम समय में कर लेंगे। अभी आप एक वेबसाइट बनाने की कोशिश कीजिए, आपको महीने लग जाएंगे, मैंने बनाई थी, लेकिन अगर वही कोई एक्सपर्ट करेगा तो हो सकता है वो 2 दिन में बना दे। तीसरी चीज़ इन्वेंशंस, जब आप कोई पर्टिकुलर प्रकार का काम करते हैं तो उसमें आप कुछ ना कुछ एक इनोवेशन कर ही डालते हैं। सपोज़ आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत थकान होती है, लेकिन काम आप रोकना नहीं चाहते क्योंकि आपके इंटरेस्ट का काम है, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए उसमें आपको ऐसी सिचुएशन है कि आप कुछ भी ड्रिंक कर सकते हो और काम भी कर सकते हो, बोलने वाला काम नहीं है, हाथ से ही करने वाला है, आपने एक बोतल रखी जूस की अपने कोट के अंदर, पैंट के अंदर, और वहाँ से एक स्ट्रॉ लिया या एक पाइप बनाया और अपने कॉलर में फिट कर लिया, थोड़ी देर बाद आपने उसमें से सक किया और जूस आपके अंदर, एक इनोवेशन ले आए आप किसी भी काम में, उस काम को और स्पीड में करने के लिए, रुकावट ना आने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए नए नए इन्वेंशंस हम कर लेते हैं अगर हम एक पर्टिकुलर प्रकार का काम कर रहे हैं तो। फिर टेक्नोलॉजी का तो आप सब जानते ही हैं, अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी ने हमारे काम को और आसान कर दिया है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है मार्केट, डिवीजन ऑफ लेबर का फ़र्क पड़ता है मार्केट पर, ये मार्केट एक्सपेंशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इन सब चीज़ों से होता क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से कैपिटल एक्यूमुलेशन, यानी कि अलग अलग प्रकार का कैपिटल, मशीनरी, प्रॉपर्टी, पैसा जो भी है वो एक्यूमुलेट होता है, वो बनता है। किसी भी कंट्री के लिए कैपिटल एक्यूमुलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डेवलपमेंट के लिए, और ये कैपिटल एक्यूमुलेशन आएगा जब आप डिवीजन करेंगे अपने लेबर्स का, और डिवीजन करेंगे आप उनकी प्रोपेंसिटी के हिसाब से, उनके सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसको उन्होंने इनविजिबल हैंड कहा। और अगर ऐसा करना है तो गवर्नमेंट आप दूर रहिए, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप इसके अंदर नहीं होगा, लेट देम डू देयर ओन वर्क फ्रीली, और आपस में वो अपने आप ही एक इक्विलिब्रियम ले आएंगे और कैपिटल एक्यूमुलेट होगा, नेशनल हेल्थ बढ़ जाएगी, कैपिटल की, इकोनॉमी की। ये थे एडम स्मिथ की थ्योरी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम थी वो डिपेंड करती थी लोगों के सेविंग्स के प्रोपेंसिटी पर, यानी कि अगर सेविंग्स ज़्यादा हैं, जितनी ज़्यादा आप सेविंग करोगे
उतनी ज़्यादा ही आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाओगे और आप नए नए इन्वेस्टमेंट उसके बाद कर सकते हो। मगर ये सेविंग्स आएंगी कहाँ से? उस समय इनके दो सोर्स थे। सबसे पहला सोर्स था इनका कैपिटल एक्यूमुलेशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया। कैपिटल का जो एक्यूमुलेशन है उसकी वजह से पैसा इकट्ठा किया जाता था, सेविंग्स की जाती थी। दूसरा सोर्स था लैंडलॉर्ड्स, ये जो लैंड वगैरह रेंट पे देते थे, तो उसकी वजह से पैसा बनता था और सेविंग्स आती थी। तो ये दोनों सेविंग्स को बढ़ाते थे और उस सेविंग की वजह से इन्वेस्टमेंट भी आता था और डेवलपमेंट होने लगता था। ऐसी चीज़ें एडम स्मिथ ने कंसीडर की थी और उसको रूपांतरित करके अपनी बुक में बताया। लेकिन अब इन दोनों की वजह से जब सेविंग बढ़ती है तो दोनों लोग इम्पोर्टेंट हो गए। एक तो कैपिटल एक्यूमुलेशन करने वाला वो प्रोड्यूसर और दूसरा लैंडलॉर्ड। इन दोनों की वजह से सेविंग्स होती थी, यानी कि जो मजदूरी है, मजदूर जो मजदूरी कर रहा है उससे एक्यूमुलेशन नहीं होता, उससे सेविंग नहीं होती, और जो होती है वो किसी काम की नहीं होती कि उससे आप इन्वेस्टमेंट कर सको। यानी कि जब ये कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है, जो भी करता है बिजनेसमैन, तो वो करता क्या है, एक हिस्सा इसका निकाल के रखता है वेजेस फंड के रूप में। यानी कि वेज फंड जैसे जैसे बढ़ेगा कैपिटल एक्यूमुलेशन की वजह से, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे लेबर्स को ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा, क्योंकि वेज फंड बढ़ गया है। वो हिस्सा जो बांटना है वेजेस के रूप में वो बढ़ गया है, तो लेबर्स को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो इसमें लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, और जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वेजेस घट जाएंगी, क्योंकि तो अब लेबर्स ज़्यादा हो गए, और जब वेजेस घट जाएंगी तो क्या होगा, धीरे 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 लेबर्स को कम पैसा मिलने लगेगा, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी डाउन हो जाएगा, और जब लिविंग स्टैंडर्ड डाउन होगा तो क्या होगा, अब शादी करने से परहेज करेंगे लोग, भाई पहले अच्छा पैसा कमा लें फिर शादी करेंगे, ऐसे ही बच्चों को पालना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर वर्कर्स का मनोबल गिर जाएगा, यानी कि अब वो अर्निंग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से कैपिटलिस्ट के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि लेबर कम होने लगे हैं, तो कम लेबरों को ज़्यादा पैसा देने के लिए कैपिटलिस्ट कंपटीशन में आ जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो लेबरों की फिर से चांदी होगी, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा ऑफर किया जाने लगेगा। यानी कि क्या होगा, फिर से वेज फंड बढ़ जाएगा और ये प्रोसेस चलती जाएगी। और ये वेज फंड आता कहाँ से, सेविंग्स से, और सेविंग्स करता कौन है, प्रोड्यूसर। और फिर इस इन्वेस्टमेंट को वो करते ही क्यों हैं, ये क्वेश्चन आए तो वो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट के लिए करते हैं। ये सारा जो मेहनत वो करते हैं वो प्रॉफिट के लिए करते हैं, मगर इस प्रॉफिट का भी एक बिहेवियर होता है। इस डेवलपमेंट प्रोसेस में प्रॉफिट किस तरीके से बिहेव करता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट का रोल आता है और इकोनॉमी डेवलप होती है। जैसे सबसे पहले कैपिटल एक्यूमुलेशन की वजह से जब वो बढ़ता है तो कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं, वेजेस बढ़ती हैं और उसके बाद प्रॉफिट्स घट जाती हैं। जब आप ज़्यादा पैसा वेजेस में बांट दोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, मगर बांटना तो पड़ेगा क्योंकि आप कंपटीशन को फेस कर रहे हो, क्योंकि अब लेबरों की कमी हो गई है तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और प्रॉफिट आपके कम हो जाएंगे। अब जब प्रॉफिट कम होंगे तो क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी, यानी लेबर्स का लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके प्रॉफिट का हिस्सा वेजेस में चला गया। अब प्रॉस्पेरिटी जब बढ़ेगी तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, ब्याज दर कम हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा अच्छा खासा आ रहा है, तो कोई भी पैसा लेने की अब सोचेगा नहीं, लोन वगैरह, और जब नहीं सोचेगा तो उनके इंटरेस्ट रेट्स घट जाएंगे। तो जब इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे तो जो मनी लेंडर्स पैसा लेंड करते थे ब्याज पर देते थे, अब उनको ज़्यादा पैसा ब्याज पर देना पड़ेगा, उतना ही लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जो अब वो अभी तक कर रहे थे, क्योंकि तो पहले वो थोड़ा से पैसे में ही ज़्यादा कमा लेते थे ब्याज में, लेकिन अब उतना ब्याज नहीं कमा पा रहे हैं, तो वो अब ज़्यादा पैसा देंगे, लेंड करेंगे, लोन देंगे ज़्यादा पैसे का, ताकि
कम ब्याज में भी उनको उतना तो मिले जिससे वो अपना जीवन चला सकें जैसा स्टैंडर्ड वो मेंटेन किए हुए हैं। और इसके बाद क्वांटिटी ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। अब जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी कैपिटल की तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स घट जाएंगे। मतलब इंटरेस्ट रेट्स घटते ही जा रहे हैं क्योंकि क्वांटिटी फिर से कैपिटल की ही बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर क्या होगा, अब जो प्रोड्यूसर होगा बोलेगा नहीं देना हमको पैसे, हम तो अब इन्वेस्ट करेंगे, अब वो पैसा लेंड करना ही बंद कर देंगे क्योंकि ब्याज दर कम होते जा रहे हैं, हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। जब तो हम क्या करें, हम अपना पैसा उठा के खुद इन्वेस्ट करेंगे और क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। यानी कि इंटरेस्ट रेट्स कम होने की वजह से क्या होता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन तो हो रहा है ज़्यादा, मगर साथ साथ क्या हो रहा है, इकोनॉमी भी प्रोग्रेस हो रही है क्योंकि अब बहुत सारे धुरंधर मैदान में उतर आते हैं। आपने देखा होगा पहले 10% ब्याज मिलता था बैंक में, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, 7 हो गया, अब 6% हो गया है। तो अब लोग सोचते हैं भैया बैंक में रखने कोई फ़ायदा नहीं है, अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करें, कुछ काम धाम करें तो ज़्यादा अच्छा है, बैठे बैठे खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सब मैदान में आने लगे। तो मैदान में आएंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी यानी इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे लोग। अब ब्याज नहीं खाना है हमको केवल, अब हमको प्रॉफिट कमाना है, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होने लगेगी। मगर ये ऊपर ऊपर की स्टोरी है, वास्तव में इसके बेस में, इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बेस में कुछ एजेंट्स हैं जिनको हम एजेंट्स ऑफ ग्रोथ कहेंगे। इसमें सबसे पहला एजेंट है फार्मर, किसान यानी खेती, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जब बहार आती है, सरप्लस आता है, तो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिमांड पड़ जाती है। क्यों, इसके दो रीज़न हैं। एक तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है अनाज का, तो उस अनाज का उपयोग क्या करोगे, आप कुछ ना कुछ बनाओगे, उससे ब्रेड बनती होगी, कॉर्न का कुछ प्रोडक्ट बनता होगा, गन्ने के शक्कर बनती है। अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग डिमांड बढ़ जाती है, तो शहरों में वो पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम करता है। अब जब ये काम करेगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो बड़ी बढ़िया मशीन्स बनेंगी, इसमें एडवांस्ड मशीन्स बनेंगी। वो एडवांस्ड मशीन्स किसके काम आएंगी, फिर से फार्मर्स के ही काम आएंगी, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा। तो यानी तीन चीज़ें हो गई, एक तो फार्मर्स हो गए, दूसरा वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म लगाने वाले प्रोड्यूसर्स हो गए, और तीसरा उनको चलाने वाले बिजनेसमैन हो गए। ये तीनों कहलाते हैं एजेंट्स ऑफ ग्रोथ, जो उस ग्रोथ में सहायक होंगे। बेसिक हैं इसमें फार्मर्स, यानी कि कोई भी मार्केट जब बढ़ता है, जिसको हम कहेंगे वाइडनिंग ऑफ मार्केट्स, उसकी वजह से क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर भी बढ़ता है, या ऐसा कहें डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से मार्केट बढ़ता है, क्योंकि लोग अपनी अपनी चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी इकोनॉमी एक तरीके से पेड़ की तरह बढ़ने लगती है, जिसकी जड़ फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर है, और उसके बाद वो ग्रो होने लगता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें बाहर की चीज़ें ऐसा असर नहीं करती हैं, असर तो करती हैं, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता रहता है, और हर सिचुएशन में ये बहुत पीछे वाली स्थिति से आगे बहुत आराम से ग्रो कर जाता है। मतलब कहा है एडम स्मिथ ने कि जब प्रॉस्पेरिटी एग्रीकल्चर में होगी तो ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होगी, और उसकी वजह से टेक्निकल प्रोग्रेस होगी, और टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से लोग पॉपुलेशन भी बढ़ सकती है, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर में फिर से एक्सपेंशन होगा, और मार्केट्स भी बढ़ते जाएंगे, तो डिवीजन ऑफ लेबर भी होगा, तो प्रॉफिट भी आएगा क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी कि ये सब कुछ होगा एक पर्टिकुलर स्टेट में, जिसको कहा था प्रोग्रेसिव स्टेट एडम स्मिथ ने। इसमें हर चीज़ बढ़ रही है धीरे धीरे, एक के बाद एक। यानी ये वो स्थिति है जहाँ बड़ा सुख संपत्ति, बहुत खुशहाली वाला जो एक समाज है वो यहाँ बन रहा है, लेकिन ये भी टेम्परेरीली ही रहता है। इसके बाद एक और स्टेट आती है, दैट इज स्टेशनरी स्टेट। ये प्रोग्रेसिव स्टेट एंडलेस नहीं है, हमेशा चीज़ें नहीं बढ़ती रहेंगी, ये एक ऐसी स्टेट की तरफ भी जाती है जिसको हम स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, और वो रिसोर्सेज की कमी हमारी ग्रोथ को रोक देती है। जब ग्रोथ रुक जाता है, काम कम हो जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, तो वेजेस कम हो जाती हैं, और धीरे धीरे सब कुछ डिक्लाइन होने लगता है, प्रॉफिट भी कम होने लगते हैं, और जब प्रॉफिट गिर जाते हैं तो फिर वो गिरते ही जाते हैं, फिर
जब प्रॉफिट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट भी गिरती जाती है, तो कैपिटलिज्म एक तरीके से स्टेशनरी स्टेट पे आ जाती है। आप कहेंगे गिरती है तो फिर उनको गिर ही जाना चाहिए, स्टेशनरी कैसे हो गए? स्टेशनरी मतलब बढ़ नहीं रहे हैं अब, लेकिन जितना है प्रोडक्शन वो तो होता ही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल जीरो पे चले गए। कैपिटल एक्यूमुलेशन स्टॉप हो गया है, पॉपुलेशन भी स्टेशनरी हो गई है, प्रॉफिट हैं पर मिनिमम है, वेजेस भी हैं मगर एक पर्टिकुलर सब्सटेंशियल लेवल पर ही है, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है और इकोनॉमी एक स्टैग्नेशन वाली स्टेट पर पहुंच गई है, और ऐसी स्थिति में लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाती है, एडम स्मिथ ने कहा है। इसको समझाने के लिए उन्होंने एक ये डायग्राम बताया है, बड़ा आसान सा डायग्राम है ये, जिसमें उन्होंने टाइम को यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लिया है और यहाँ पे वर्टिकल में इन्होंने रेट ऑफ एक्यूमुलेशन को लिया है। इकोनॉमी ग्रो कर रही है कहाँ से, के से एस की तरफ, ओके, और किस टाइम पर, टी टाइम पर, टी टाइम में ये के से एस की तरफ आ गई है और टी के बाद ये इकोनॉमी स्टेशनरी हो गई है। अगर उसके बाद भी ग्रोथ होती है यानी रेट ऑफ एक्यूमुलेशन हम बढ़ाते हैं तो भी ये नहीं बढ़ती, यानी प्रॉफिट्स जीरो हो जाते हैं और कैपिटल का एक्यूमुलेशन रुक जाता है। ये एक डायग्राम से भी उन्होंने समझाने की कोशिश की थी, यानी पहले तो वो बढ़ेगी और फिर एक लेवल पे आके वो रुक जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, मगर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, अब वो करते हैं। तो पहला लिमिटेशन है रिजिड डिवीजन ऑफ सोसाइटी, यानी एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी को इस तरीके से बनाया है कि सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट उस समय जो था उसके हिसाब से उसको उन्होंने डिवाइड किया था, जिसमें एक तरफ कैपिटलिस्ट थे और एक तरफ लेबर्स थे। मतलब इसमें जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, ये बहुत बड़ा फ्लॉ था इसका। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिमिटेशन का है वन साइडेड सेविंग बेस। वही कैपिटलिस्ट जो थे या लैंडलॉर्ड्स थे उनको कहा गया कि वो सेव करेंगे, लेबर्स सेव नहीं करेंगे, लेकिन अधिकतर जो जनसंख्या है वो इनकम रिसीवर्स की होती है, यानी जिनको इनकम मिल रही है वो ज़्यादा सेव कर सकते हैं, ना कि कैपिटलिस्ट या जो लैंडलॉर्ड्स या मनी लेंडर्स होते हैं वो। तीसरी चीज़ अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इन्होंने क्योंकि ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और ये अजम्पशन मैं क्लासिकल वर्सेस कीन्स में भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से एक लिमिटेशन है और किस तरीके से इसको मैंने खारिज किया था कि ये परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, लेकिन जब हम लेजर्स फेयर की बात करें तो किसी भी इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन होना असंभव जैसा हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में जो प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो फिर प्राइस को होल्ड करने लगते हैं या प्राइस को गवर्न करने लगते हैं, बहुत दिक्कत आ जाती है। इसलिए इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है ताकि मोनोपोली रोकी जा सके। फिर है नेगलेक्ट ऑफ एंटरप्रेनर। इसमें एंटरप्रेनर की कहीं बात नहीं की है एडम स्मिथ ने, क्योंकि एंटरप्रेनर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में, नई ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में और उसके बाद उसको आगे बढ़ाकर कैपिटल फॉर्मेशन में, तो ये भी एक लिमिटेशन है। अगला लिमिटेशन है अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक स्टेशनरी स्टेट आ जाती है, लेकिन कैसे आ जाती है, आखिरी में ये कब तक रहेगी स्टेशनरी, यानी जब इक्विलिब्रियम में एक इकोनॉमी आ जाएगी तो उसमें स्टेशनरी पीरियड आ जाता है। इसमें इन्होंने कहा कि पहले एकदम से इकोनॉमी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, फिर जाके स्टैगनेंट हो जाती है, मगर ऐसा कभी होता नहीं है, कभी भी इकोनॉमी एकदम से नहीं बढ़ती, उसमें अप एंड डाउन्स आते हैं और बड़ी मशक्क़त के बाद वो एक लेवल पे पहुंचती है। इसलिए ये जो स्टेशनरी स्टेट है बड़ा अनरियलिस्टिक दिखता है। और लास्ट लिमिटेशन है स्टैटिक मॉडल, यानी एक ग्रोथ मॉडल जैसा दिखता तो है लेकिन एक ग्रोथ मॉडल है नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का सीक्वेंस नहीं है ग्रोथ का, इसलिए इसको स्टैटिक मॉडल कहा है हिक्स ने। और अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर इसकी एप्लीकेबिलिटी भी बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर मार्केट्स छोटे होते हैं और छोटे मार्केट होने की वजह से वहाँ पर ये थ्योरी अच्छे से एप्लीकेबल नहीं हो पाती है, यानी इसकी लिमिटेड वैलिडिटी है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि इनकी मार्केट्स छोटे होते हैं इसलिए इनकी कैपेसिटी सेविंग करने की या इन्वेस्ट करने की भी कम होती है, तो प्रोडक्शन भी कम होता है, और जब प्रोडक्शन कम होता है तो लेवल ऑफ इनकम पर भी असर करता है, और जब इनकम नहीं होगी तो लोग खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं तो फिर प्रोडक्शन ही क्यों होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें लिंक्ड रहती हैं, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी एडम स्मिथ की थ्योरीज पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाती है। दैट्स इट, थैंक यू।